हेलो एम एस्ट्री वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे ओके okay? तो देखिए हमने हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैं आपको सेवन लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ अभी हम आगे बात करते हैं हमारे एट्थ लेक्चर पे ओके okay? और आज के एथ लेक्चर पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है काफी इजी है जो है आपका इल्कोविक इक्वेशन ओके तो देखो ना इल्कोविक इक्वेशन को अगर मैं आपको ऐसे समझाऊ देखो हमने लास्ट लेक्चर पे यानी कि सेवन्थ लेक्चर पे क्या चीज डिस्कस की थी पोलरोग्राफिक थ्योरी को हमने डिस्कशन में लिया था तो पोलैरोग्राफिक थ्योरी के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा इल्कोविक इक्वेशन पे भी तो इंट्रोडक्शन दिया था क्या बोला था मैंने आपको बताया था इल्कोविक इक्वेशन क्या होता है अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन के लिए मेजरमेंट करना है तो वो मेजरमेंट आप विद द हेल्प ऑफ इल्कोविक इक्वेशन ही करा सकते हैं और इस इल्कोविक इक्वेशन के लिए मैंने आपको इक्वेशन भी दिखाई थी कि इक्वेशन क्या है और ये आपको क्या रिलेशनशिप बता दिए ये भी आपको एक रिलेशनशिप देती थी तो वो क्या रिलेशनशिप आपको बताती है वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन किया था ठीक है तो उसी चीज को हमने आज थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है तो पहले मैं आपको फर्स्टली बता देती हूँ कि हमने क्या क्या चीजें करनी है point to point, सारे point पे हम लोग डिस्कस करेंगे ओके? Okay? तो स्टार्ट करें चलिए तो देखो ना सबसे पहले हम बात करेंगे इल्कोविक इक्वेशन होती क्या है, ये हमको क्या रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है देन उसके बाद हम डेरिवेशन पे आएंगे तो डेरिवेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगी देखिए ना जो डेरिवेशन है मैंने आपने देखा भी होगा इसका डेरिवेशन काफी लेंथी है ठीक है मतलब नए नए टर्म आपके आएंगे बहुत लेंथी लेंथी सा lengthy सा है तो वो वो तो वो वो नए नए टर्म ना ना सिलेबस में आपने पढ़े हैं हमने क्या क्या किया किया मतलब मैंने किया? मैंने पे जो डेरिवेशन पर आपको एड किया हुआ है ये डेरिवेशन आपको बता तो देगा कि कैसे आपकी एल्कोविक इक्वेशन डिराइव हुई है बट थोड़ा सा छोटा सा है ठीक है तो अगर आपको सही लगे तो आप इसको एड कर लीजिएगा मुझे तो ये सही लगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एड किया बाकी अगर आपको दूसरा चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है तो डेरिवेशन

उसके बाद लास्टली हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन करंट को अफेक्ट करते हैं अब डिफ्यूजन करंट को हमने क्यों डिस्कस किया है क्योंकि हमको मालूम है इल्कोविक इक्वेशन में जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में है डिफ्यूजन करंट के बीच में है ठीक है तो डिफ्यूजन करंट अगर हमारा अफेक्ट होगा तो हमारी इल्कोविक इक्वेशन भी अफेक्ट होगी तो हमने ये चीज भी देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन करंट को अफेक्ट करता है क्योंकि डिफ्यूजन करंट अफेक्ट तो इल्कोविक इक्वेशन अफेक्ट इतनी चीज क्लियर है तो बस इतने से छोटे से टॉपिक हमने आज के लेक्चर पर डिस्कस करना है ओके okay? तो स्टार्ट करें लेक्चर को चलिए ठीक है थीके? तो देखो फर्स्टली बात कर लेते हैं आखिर इल्कोविक इक्वेशन होती क्या तो सुनिएगा तो ये बोल रहा है देखो मैंने पहले भी बोल दिया कि इक्वेशन क्या है कि अगर आपको क्या क्या है किसी भी सॉल्यूशन के लिए पोलारोग्राफिक मेजरमेंट करवाना है तो ये जो मेजरमेंट होगा वो विद द हेल्प ऑफ किसके ची होगा इल्कोविक इक्वेशन यानी कि इल्कोविक इक्वेशन ही इस मेजरमेंट को गवर्न करती है ठीक है तो हम बोल सकते हैं इल्कोविक इक्वेशन इज यूज टू गवर्न अ पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन ओके अब आगे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है विच इज ऑल्सो नोन एज अ डिफ्यूजन थ्योरी एंड पोलैरोग्राफिक वेव इक्वेशन इसको आप क्या है डिफ्यूजन थ्योरी भी बोलते हैं पोलरोग्राफिक वेव इक्वेशन भी बोलते हैं तो डिफ्यूजन थ्योरी किसके रिस्पेक्ट में बोला गया आपकी थ्योरी के रिस्पेक्ट में बोला गया है एंड पोलरोग्राफिक वेव इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है इक्वेशन के रिस्पेक्ट में बोला गया ठीक है तो ये तो जस्ट बेसिक बात होगी कि इल्कोविक इक्वेशन का आप यूज कहाँ करते हैं ठीक है थेके? इतना हुआ अब बात आती है कि ये इल्कोविक इक्वेशन आखिर होती क्या है तो देखो मैंने आपको पहले भी बोला है कि इल्कोविक इक्वेशन क्या होती है एक टाइप की लीनियर रिलेशनशिप

है, वो होता है आपका नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोड ओके अब ये नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोड क्या होता है देखो मैंने आपको पहले भी बोला था हम पोलेरोग्राफिक थ्योरी क्या होती है जो आपकी देखो मैं आपको वापस से रिपीट कर रही हूँ जो आपकी पोलेरोग्राफिक थ्योरी है या फिर आप बोल सकते हो जो आपकी पोलेरोग्राफिक टेक्निक है वो एक टाइप की क्या आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है अब वे टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है तो इस टेक्निक के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होंगे जिसमें से एक होगा एनोड एक होगा हमारा कैथोड ये तो बेसिक है अब देखो ना पर्टिकुलरली पोलेरोग्राफिक थ्योरी के अंदर हम ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ठीक है एक एनोड और एक कैथोड इनको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं हम लोग एनोड को क्या बोलते हैं नॉन पोलराइज इलेक्ट्रॉड और कैथोड को क्या बोलते हैं पोलराइज इलेक्ट्रॉड तो ये जो यहाँ पे नॉन पोलराइज इलेक्ट्रॉड बोला गया वो किसके लिए बोला गया है एनोड के लिए बोला गया है इतनी चीज क्लियर आ रही तो हमको क्या बोला गया ये जो दो कंपोनेंट है जिनके बीच में इकोविक इक्वेशन क्या है लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है उनमें से एक कंपोनेंट है आपका डिफ्यूजन करंट

डिफ्यूजन करें यानी कि पहला कंपोनेंट और यहाँ पे जो आप ये सी देख रहे हैं ना ये सी आपका क्या है कंसंट्रेशन ऑफ नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन या फिर आप बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एनोड इतनी चीज क्लियर आई तो ये दोनों के बीच में कौन रिलेशन से स्टेब्लिश कर रहा है इल्कोविक इक्वेशन तो ये इक्वेशन होती है इल्कोविक इक्वेशन ओके तो अब आप बोलेंगे आईडी तो आपका डिफ्यूजन करंट हो गया सी तो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ एनॉड हो गया तो ये बीच में ये बड़ा सा टर्म कहां से आ रहा है तो ये जो पूरी यूनिट है ये हमारा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है ठीक है इसे आप बोलते हैं इल्कोविक कॉन्स्टेंट तो

करंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रो ठीक है अब बात आती है कि हमें ये रिलेशनशिप तो मिल गया भाई आईडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी किसके थ्रू मिला इल्कोविक इक्वेशन के थ्रू मिला अब बात आती है कि इस इक्वेशन से हमारा यूज क्या है हम इस इक्वेशन को इस रिलेशनशिप को कैसे यूज करें कर क्यों याद करें क्यों यूज होगा तभी तो हम इसको याद करेंगे तो इसका यूज भी मैं आपको बता देती हूँ तो यूज ये बोल रहा है कि अगर हमको आईडी की वैल्यू नोन हो गई तो हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए आपको डिफ्यूजन करंट की वैल्यू नोन है तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू नोन है तो आप यहाँ पर को कंसंट्रेशन ऑफ एनोड या फिर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोड निकाल सकते हैं तो ये इसका यूज हो जाता है मतलब क्या होगा देखो मैं आपको ना एक बार थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगी यहाँ पे देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ ठीक है एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे आपको पोलरोग्राफी भी रिविजन में आ जाएगी और यहाँ पर को इक्वेशन का भी समझ में आ जाएगा ठीक है तो देखो होता क्या है ना आपको पता है मैं यहां पर पॉइंट वाइज लिख रही हूं कि जो आपकी ये पोलेरोग्राफी पोलेरोग्राफी जो आपकी टेक्निक है वो एक टाइप की कैसी टेक्निक है एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है ठीक है और इस टेक्निक का आप यूज कहा करते हैं तो मैंने आपको बताया था इस टेक्निक का आप यूज करते हैं अगर आपको कोई एक अननोन अननोन सॉल्यूशन सॉल्यूशन मैंने आपको ये दे दिया तो आप किसी भी अननोन सॉल्यूशन को एनालाइज कर सकते हैं ठीक है ठीके? किसी भी अननोन सॉल्यूशन को क्या है एनालाइज कर सकते हैं विद द पोलैरोग्राफिक टेक्निक ओके और कैसे एनालिसिस कर सकते हैं तो मैंने यहां पर लिख देती हूँ कि आप विद द हेल्प ऑफ पोलैरोग्राफिक टेक्निक किसी भी अननोन सॉल्यूशन को दोनों तरीके से दोनों तरीके से मतलब क्वांटिटेटिवली भी क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी क्या है एनालाइज कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली भी और, भी कर सकते है, करना और करने का मतलब क्या है और कैसे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ तो देखो ना करना मतलब क्या हुआ आप विद हेल्प ऑफ टेक्निक आप किसी भी अननोन सोल्यूशन में ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस अननोन सोल्यूशन में कितना कंसेंट्रेशन है किसी कंपाउंड का किसी इलेक्ट्रॉन का ठीक है तो इसे आप बोलते हैं आपने वहां पर को किया आपने क्वांटिटी डिटरमाइन की ठीक है क्वांटिटी क्या डिटरमाइन की कि आपके अननोन सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है तो मैंने यहां पर लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड आप यहां पर को डिटरमाइन

क्वालिटी निकाली कि आयंस किस टाइप के कौन सा आयन प्रेजेंट है उनका नेचर क्या है तो हम बोल सकते हैं कि हमने हमारे अननोन सॉल्यूशन में क्या किया क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली एनालिसिस किया ठीक है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने नेचर ऑफ आयन का आपको पता सल, चल सकता है ठीक है नेचर ऑफ आयन का पता लगा सकते हैं ठीक है थीके? तो इतना आपको समझ में आया विद देखो दि, दि, पोलोग्राफी टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप किसी अननोन सॉल्यूशन को एनालाइज कर सकते हैं और यहाँ पे जो एनालिसिस होगा वो दोनों टाइप का होगा क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब आप इस टेक्निक की हेल्प से किसी भी अननोन सॉल्यूशन आपको कोई एक अननोन सॉल्यूशन दे दिया उस अननोन सॉल्यूशन में कितने टाइप का मतलब जो आपका कंपाउंड है उसका कंसंट्रेशन कितना है अमाउंट कितना है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं तो हमने

एंड वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप मिलता है किसके बीच में करंट एंड वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप मिलता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो रिलेशनशिप होता है इसको जब हम रिकॉर्ड करके ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो इसका शेप क्या होता है ये सिग्मोइड शेप होता है जैसा आप यहाँ पर को देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में ठीक है बट कुछ केसेस में क्या होता है ये सिग्मोइड शेप नहीं आता किसकी वजह से

वैल्यू निकालते हैं दो वैल्यू क्या होती है एक होती है डिफ्यूजन करंट की वैल्यू एक होती है आपकी हाफ वेव पोटेंशियल की वैल्यू हाफ एफ पोटेंशियल की वैल्यू तो अगर हमको क्या है इस सिग्मोइड शेप के ग्राफ से ये दोनों वैल्यू मिल गई तो इन दोनों वैल्यू की तो हेल्प से हम लोग यहाँ पर इल्कोविक इक्वेशन का यूज कर रहे थे तो अभी जैसे सोचो कि ये जो हमारा ग्राफ बना सिग्मोइड शेप का ग्राफ बना इसकी वजह से वजह से हमको ये जो दो वैल्यू मिली एक है डिफ्यूजन करंट एक है हाफ एफ पोटेंशियल तो इस डिफ्यूजन करंट की वैल्यू की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं किसकी हेल्प से डिफ्यूजन करंट की वैल्यू से ठीक है दूसरा जो ये हाफ वे पोटेंशियल की वैल्यू आई है

को रिलेशनशिप बता सकूं ठीक है तो अब आपको समझ में आए पोलैरोग्राफिक टेक्निक हो गई इसका ये जो रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप के बारे में ही आपके इल्कोविक इक्वेशन ने बात की थी इतना हुआ ना बस ये होती है आपकी इल्कोविक इक्वेशन अब आप समझ गए तो हम इल्कोविक इक्वेशन को क्या बोलेंगे इल्कोविक इक्वेशन एक टाइप के लीनियर रिलेशनशिप है क्योंकि किसके बीच में होता है डिफ्यूजन करंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ नॉन पोलराइज इलेक्ट्रॉड यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एनॉड तो जो कि हमको ये बोलता है कि अगर हमको डिफ्यूजन करंट की वैल्यू नोन हो गई विद द हेल्प ऑफ पोलोग्राफिक टेक्निक तो हम किसी भी सोल्यूशन किसी भी अननोन सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट है कंसंट्रेशन ऑफ नॉन पोलराइज इलेक्ट्रॉड है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन को ही आप बोलते हैं इल्कोविकवेशन

ता है आप सुनिएगा ठीक है तो डेरिवेशन को आपने क्या लिखना है मैं इसको एक बार इेस कर देती हूं अब देखिए अब आपका डेरिवेशन आपको क्या बता रहा है ठीक है तो डेरिवेशन को पहले मैं आपको पहला पॉइंट बताती हूँ ये बोल रहा पोलर वैन अप्लाइड वोल्टेज द द वोल्टेज डिफ्यूजन कंट्रोल करंट इज एक्सप्रेस एक्सप्रेटोजिशन ओके इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब को समझाने के लिए पहले मैं आपको ये जो आपका ग्राफ है इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो देखो ये ग्राफ आपका वहीं से है इससे पहले लेक्चर यानी कि पोलेरोग्राफी से ही आया हुआ है तो हमको पता है पोलेरोग्राफिक टेक्निक क्या है हमको करंट एंड वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप देती है और उस रिलेशनशिप को अगर हम लोग ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो आपको एक ग्राफ मिलता है जो कि सिग्मोइड शेप का होता है ये जो शेप है इसे बोलते हैं शेप ठीक है shape, अब देखो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है मैं आपको सिंपली बोलती ये जो आपका हर, वर्टिकल लाइन है ना ये वर्टिकल लाइन आपको क्या बताती है करंट के बारे में बताती है और ये हॉजेंटल लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है अब यहाँ पर कोई सिगमोइड शेप का ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं आपको बताती हूँ देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है ये सबसे पहले क्या बोलता है ना देखो आपने क्या किया यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपने सबसे पहले वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया ठीक है थोड़ा सा मैं दूसरा इंक यूज कर लेती हूँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपने क्या किया पहले वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया आप देख पा रहे हैं आपने क्या किया वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया पहले वोल्टेज यहाँ पे था फिर आपका वोल्टेज कहां पहुंच गया यहाँ पे पहुंच गया यानी कि हमने वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया ठीक है तो देखो हमने क्या है हमारा वोल्टेज तो इंक्रीज किया पर क्या हमारा करंट में कोई भी चेंज आया नहीं आया करंट हमारा क्य? क्या कॉन्स्टेंट है कैसे इस पॉइंट पे यानी कि जब हमारा वोल्टेज यहाँ पे था उस टाइम पे हमारा करंट यहाँ पे था ठीक है और जब हमारा वोल्टेज इंक्रीज होकर यहाँ पे पह। पहुंच गया तो हमारा वोल्टेज करंट भी क्या है अभी भी उसी पॉइंट पे होता है यानी कि एज इट इज रहा यानी कि करंट में कोई भी चेंज नहीं आया आप वोल्टेज आपने इंक्रीज किया बट करंट आपका कांस्टेंट रहा

तो पहले आपने वोल्टेज इंक्रीज किया करंट तो की वैल्यू में रैपिड इंक्रीज हुआ से वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया तो आपके करंट की वैल्यू क्या हो गई कॉन्स्टेंट हो गई ठीक है तो मोस्ट ऑफ द केसेज में आपको मैंने जैसे बोला कि मोस्ट ऑफ द केसेज में आपको सिग्माइट शेप का ही देखने को मिलता है बट कभी कभी पोलेरोग्राफिक मैक्सिमा की वजह से ये करंट आपका एक पॉइंट के बाद देखो इस पॉइंट के बाद जहां पर आपका क्या होता है करंट की वैल्यू कांस्टेंट होने लगती है पहले तो इंक्रीज हुई फिर वापस से जो कांस्टेंट होने लगती है इस पॉइंट 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 को बोलते हैं लिमिटिंग लिमिटिंग ठीक है 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 इसे बोला जाता है, तो होता क्या कभी कभार क्या होता है लिमिटिंग पॉइंट के बाद आपका करंट की वैल्यू हो जाता है ये आपका नॉर्मल केस है ओके okay? लेकिन क्या होता है कभी कभार हमें ये भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं आपका जो करंट है वो लिमिटिंग पॉइंट में पहुंचने के बाद कॉन्स्टेंट होने के बजाय फिर से इंक्रीज होने लग गया तो यहां पर मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसकी

Diffusion current की 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 एक होती है है ठीक तो देखो जैसे आप diffusion current को ID से रिप्रेजेंट करते हैं ना को आप कैसे represent करते हैं से ठीक है अब आईअर डिवाइडेड बाई टू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी पहले समझो डिफ्यूजन करेंट क्या होता है ठीक है तो देखो सिंपली मैं डिफ्यूजन करंट को ऐसा बोलती हूँ देखो वो पॉइंट जहां पर आपका क्या करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट थी उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेसिडुअल करंट ठीक है current, इसे बोलते हैं रेसिडुअल करंट ठीक है और वो करंट वो करंट की वैल्यू जहां पर आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी लिमिटिंग पॉइंट के बाद जो आपकी करंट की वैल्यू देखो यहाँ पर आपका इंक्रीज हुआ लिमिटिंग पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो गया तो इस लिमिटिंग पॉइंट के बाद जो करंट की वैल्यू होती है इसे आप बोलते हैं लिमिटिंग करंट ठीक है current, तो लिमिटिंग करंट और रेसिडुअल करंट के बीच में जो करंट का जो डिफरेंस होता है इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन करंट जिसे आप आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं इतना हुआ ये होता है डिफ्यूजन करंट ठीक है नाउ हाफ वे पोटेंशियल क्या होता है तो हाफ वे पोटेंशियल को आप ऐसा बोल सकते हैं हाफ वे पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल की वो वैल्यू होती है पोटेंशियल की वो वैल्यू होती है जो कि, कि किसके इक्वल होती है उस करंट के इक्वल होती है जो आपके डिफ्यूजन करंट का हाफ होता है मतलब क्या हुआ देखो आपका डिफ्यूजन करंट कितना था या फिर आप बोल सकते हैं आपका जो ये लिमिटिंग करंट था ये कितना है लिमिटिंग करंट इस पॉइंट तक है ये आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा लिमिटिंग करंट है अब इस लिमिटिंग करंट का अगर मैं हाफ बोलू तो ये पॉइंट मेरा हाफ हो गया क्योंकि ये पूरा लिमिटिंग करंट है यहाँ से ये आपका पूरा लिमिटिंग करंट है इसका मैं हाफ बोलू तो ये पॉइंट क्या हो गया हाफ हो गया ठीक है हाफ करंट की जो वैल्यू होती है ना इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होता है उसे आप बोलते हैं हाफ वे समझ में ना हाफ वे पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल की वो वैल्यू होती है जो कि हाफ वे पोटेंशियल क्या होता है तो आप बोलेंगे हाफ वे पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो कि हाफ वे पोटेंशियल क्या होता है आप ऐसा बोलेंगे हाफ वे पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जहां पे आपके लिमिटिंग करंट लिमिटिंग करंट को जैसे डिफ्यूजन करंट को आप आई एल से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे लिमिटिंग करंट को सॉरी आई एल से रिप्रेजेंट करेंगे पहले करंट आएगा आएगा देन लिमिटिंग तो ये हो गया लिमिटिंग करंट तो वो पोटेंशियल की वैल्यू जहां पे आपका लिमिटिंग करंट की वैल्यू क्या हो जाए हाफ हो जाए उसे हम बोलते हैं हाफ वे पोटेंशियल तो देखो इतना पूरा लिमिटिंग करंट है इसका हाफ मैंने इतना ले लिया तो ये जो हाफ वैल्यू है आपके करंट की इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल

कंपोजिशन वोल्टेज को उस पॉइंट पे अगर आप करंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो ये पॉइंट था यहां पर आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे तो करंट कांस्टेंट था लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या हुआ आपका वोल्टेज तो इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होते होते इसने क्या कर दिया करंट की मतलब वोल्टेज इंक्रीज हुआ और करंट की वैल्यू भी क्या होने लगी आपकी इंक्रीज होने लगी तो इस पॉइंट पे अगर आप करंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे तो ये बोल रहा है आई इज इक्वल टू के सी माइनस सी नॉट ठीक है तो यहाँ पे जो आपका करंट होगा वो किसके इक्वल होगा के आपका कॉन्स्टेंट हो गया इनको

और इस पॉइंट पे जो आपका करंट होता है वो डिफ्यूजन करंट होता है तो इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो आपका डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के सी आ जाएगा ठीक है तो अब आप देखो ये इक्वेशन ही तो हमने यूज करनी है यहाँ पर आईडी आपका क्या है डिफ्यूजन करंट K मतलब हो जाएगा आपका एल्कोविक भी कॉन्स्टेंट सी मतलब हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ आयन और ये इक्वेशन हमने यहाँ पर आपको मैंने दिखाई थी ये देखो आई डी इज इक्वल टू क्या हुआ ये पूरा के हुआ और ये हुआ सी तो ये इक्वेशन ही तो हमने डिराइव करनी है तो ये चीज आप बताइएगा ठीक है तो ये दूसरी इक्वेशन हमको डिराइव होगी अब ये इक्वेशन हमको क्या बता रही है वो चीज बोल रहा है कि आई डी रीच एड लिमिटिंग वैल्यू आपकी जो आई है वो लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गई लिमिटिंग पॉइंट पर पहुंच गई और ये वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्योंकि के यहाँ पर को क्या होता है कॉन्स्टेंट

एंड डी की पावर हाफ एम की पावर टू बाई थ्री एंड टी की पावर वन बाई सिक्स ओके तो आपने क्या किया यहाँ पर को अगर आप कॉन्स्टेंट की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगी आई डी इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू आपने एज इट इज रख दी इन टू क्या हो गया सी इतना चीज समझ में आए तो ये जो हमें इक्वेशन ऑप्टेन हुई ये तो हुई इनको इक्वेशन बस आपने इतना यहाँ पर को शो करना है इतना कर लेंगे ना अब आगे क्या बोल रहा है इनकी वैल्यूज क्या है वो बता रहा है आईडी आपका डिफ्यूजन करेंट हो गया और यहाँ पे आपने करेंट को एम्पेयर में नहीं लेना माइक्रो एम्पेयर में लेना है सिक्स जीरो सेवन आपका क्या हो गया

टेम्परेचर मैट्रिक सोल्यूशन एंड कैपिलरी तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं ये पूरी वैल्यू को रख ये पूरी में आपका एक टेम्परेचर सोल्यूशन हो गया कैपिलरी कैरेक्टरिस्टिक हो, हो गया अगर आपने इन तीनों को क्या हो गया कॉन्स्टेंट रख लिया तो आपका आईडी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी के डायरेक्टली प्रपोर्शनल हो गया यानी कि जब आप डिफ्यूजन करेंट को बढ़ाएंगे तो आपका कंसेंट्रेशन ऑफ आयन भी इंक्रीज हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ आयन या फिर नॉन uh,

तब आपको एक प्रॉपर इक्वेशन आपको दिखेगी जब आप क्या करेंगे जो आप ड्रॉप टाइम जो आप पोलरोग्राफी टेक्निक में जो वो आप क्या करते थे आपके पास रिजर्वर होता था मरकरी रिजर्वर उससे क्या है मरकरी क्या है ड्रॉप वाइज कहां गिरती थी सॉल्यूशन के अंदर गिरती थी तो आपने ड्रॉप टाइम क्या लगाना है टू टू या फिर पर को हमने पहले लेक्चर पर लिखा था वन टू फाइव सेकेंड तो इतना टाइम पीरियड के बाद आपकी मरकरी ड्रॉप वाइज प्रॉपर गिरनी चाहिए तभी आपका क्या होगा आपको एक प्रॉपर सिस्टम एक करंट फ्लो मिलेगा वोल्टेज मिलेगा इक्वेशन ऑप्टेन होगी इक्वेशन से आप ये रिलेशनशिप बनाएंगे और

आप, okay? तो आप क्योंकिरी का डायमी और लेंथ बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि असेंशियल क्या है की आपकी क्या है क्योंकि मर्की तो यहाँ पर कैथोड और एनॉड की तरह एक्ट करती है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर पर बता चुकी हूँ तो रिजर्वर ऑफ मर्क

हाइट ऑफ एच जी कोलाम मतलब आपका जो मरकरी रिजर्वर है उसे मेंटेन करना है कॉन्स्टेंटली ठीक है क्योंकि जो आपका ड्रॉप टाइम है वो किस पे डिपेंड करता है ऑन अपलाइड प्रेशर बाई ए कोलाम ऑफ एच जी एट द टिप ऑफ डीएमई डीएमई क्या हो गया आपका वो डॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रॉड जो हमारा यहाँ पर को हम लोग यूज कर रहे हैं डोपिंग मरकर इलेक्ट्रॉड का ही तो हम लोग यूज कर रहे हैं यही हमारा वर्किंग इलेक्ट्रॉड है यही हमारा कैथोड और यही हमारा एनॉड की तरह एक्ट करता है ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहा है अप्लाई बोल रहा, बोल रहा? है अप्लाइड वोल्टेज इन डीएमई असेंबली डीएमई असेंबली मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है ठीक है पूरा पोलारोग्राफिक टेक्निक की बात कर रहा है तो वहां जो आपका अप्लाइड वोल्टेज होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ पॉसिबल चार्ज ठीक है वो क्या चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अकरिंग इन प्रोवेलिंग सर्फेस टेंशन ऑफ ए ड्रॉप एट द टिप ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है क्योंकि में ही हम लोग उसको एक एथोड और एनॉड कंसिडर करते हैं ओके okay, अब लास्ट क्या बोल रहे हैं फोर्थ ये बोल रहे हैं एविडेंटली वेरिएशन इन टेम्परेचर एंडी मस्ट बी एट अरिमम लेवल बिकॉज दे डिस्टर्ब डिफ्यूजन कोपेशन मोर्ट सिग्निफिकेंटली तो ये बोल रहे आपने क्या करना है टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी को क्या है मिनिमम लेवल पे पुट करना है क्योंकि ये क्या है बहुत हाईली बहुत अच्छी तरीके से मतलब बहुत ज्यादा वे में क्या है डिफ्यूजन करेंट की वैल्यू को अफेक्ट करता है और डिफ्यूजन करेंट की वैल्यू अफेक्ट

डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन इसका मतलब क्या हुआ कि concentration की वैल्यू भी हमारे डिफ्यूजन करंट को अफेक्ट कर सकती है कैसे कर सकती है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा कंसेंट्रेशन घटेगा तो डिफ्यूजन करंट भी घटेगा तो यहाँ पर लिखा है डिफ्यूजन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल आयन यानी कि इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल आइन का कंसनट्रेशन अगर आप बढ़ाएंगे तो आईडी बढ़ेगा घटाएंगे तो आईडी भी घटेगा ठीक है नेक्स्ट है टेम्परेचर टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है तो देखो आपने इल्कोविक इक्वेशन में टेम्परेचर भी तो देखा था ये बोल रहा है आईडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आईडी की वैल्यू भी बढ़ेगी तो यहाँ पर लिखा है डिफ्यूजन करंट ऑल्सो वरी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जनरली हमने क्या देखा है?

डिफ्यूजन करंट भी अफेक्ट होगा ठीक है तो विस्कोसिटी ऑफ मीडियम में क्या बोल रहा है ये बोल रहा है

जो आपका पार्टिकल्स होंगे उस मीडियम के अंदर उनके लिए क्या होगा डिफ्यूजन करना थोड़ा सा क्या होगा डिफिकल्ट होगा और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा थोड़ा लोअर हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि डिफ्यूजन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ओके? इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हमारा जो मीडियम है वो हमारा लेस डेंस है या फिर बोल सकता है लेस विस्कस है तो वहां जो पार्टिकल है वो आसानी से क्या कर सकता है बहुत इजीली डिफ्यूज हो सकता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है अगला गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता है कैपेलरी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कैपेलरी का तो बहुत बड़ा रोल है ना क्योंकि कैपेलरी तो हमारा मरकरी ड्रॉप को क्या सोल्यूशन के अंदर डाल रही है और एक प्रॉपर टाइम होना ड्रॉपिंग की वो हमारे लिए बहुत जरूरी है पोलेरोग्राफिक टेक्निक के अंदर ओके तो ये क्या बोल

जे, देखो होता क्या है अगर आप सप्रेसर का यूज नहीं करेंगे तो आपका ये जो करंट की वैल्यू है वो लिमिटिंग पॉइंट के बाद भी क्या होगी इंक्रीज होती रहेगी और अगर ये इंक्रीज होगी तो यहाँ पर को पोलेरोग्राफिक मैक्सिमा आ जाता है तो इस पोलोग्राफिक मैक्सिमा की वजह से क्या होगा अगर करंट की वैल्यू आगे को इंक्रीज होती रहेगी तो आपको क्या एक प्रॉपर डिफ्यूजन करंट की वैल्यू नहीं मिलेगी ना प्रॉपर हाफ एव पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी और अगर ये दोनों वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो हम अपने सोल्यूशन को एनालाइज कैसे करेंगे क्योंकि इन दोनों की वजह से तो हम क्वान्टिटेटिवली और क्वालिटेटिवली एनालिसिस कर पा रहे थे ना तो हमको क्या है प्रॉपर डिफ्यूजन करेंट और हाफ वे पोटेंशियल की वैल्यू के लिए यहाँ पर को क्या है प्रॉपर सिग्मोइड कर्व की नीड होती है और प्रॉपर सिग्मोइड कर्व तभी आपका ओप्टेन होगा जब आप सप्रेसर का यूज करेंगे अगर सप्रेसर का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर को क्या होगा आपका करंट की वैल्यू लिमिटिंग पॉइंट के बाद भी इंक्रीज होती जाती है जैसे आप बोलते हैं मैक्सिमम तो इसलिए हमारा सप्रेसर क्या है जरूरी होता है और सप्रेसर के फॉर्म में आप किसका यूज कर सकते हैं जेलेटिन का यूज कर सकते हैं डाइस स्टेफ का यूज कर सकते हैं सरफेक्टेन का यूज कर सकते हैं ये यहाँ पर को एज अ सप्रेसर की तरह यूज करता है ठीक है तो ये मैंने आपको ये चीज आपको लास्ट लेक्चर पर प्रॉपरली बताई हुई थी मैक्सिमा का क्या कॉन्सेप्ट है तो बस इतनी चीज आपने यहाँ पर को एक्सप्लेन करनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन ओके तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का तो अभी इस लेक्चर को एल्कोविक इक्वेशन को यही फिनिश करता है मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय